हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 की स्पेशल सीरीज दरार और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज जिस दुश्मनी की हम बात करने वाले हैं, उस दुश्मनी की नींव बरसों पहले या यूं कहिए कि दशकों पहले पड़ी थी। हम बात कर रहे हैं एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और शॉटगन सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के टकराव की। 80 के दशक में एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। बरसों पुरानी उस दुश्मनी पर भले ही अब दोस्ती का लिहाफ चढ़ चुका है, लेकिन उस रंजिश की टीस शत्रुघ्न सिन्हा के दिल में अब भी कहीं बाकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के रिश्ते ने कई पड़ाव देखे, जबरदस्त दोस्ताना भी देखा, और जब दोनों के बीच ठनी तो ऐसी जबरदस्त ठनी कि पूरा जमाना देखता रह गया। फिर दशकों बाद ऐसे मिले कि हर गिला, हर शिकवा, हर गम भुला दिया। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती की शुरुआत हुई थी साल 1971 में, जब दोनों ने फिल्म परवाना में काम किया था। ये वो दौर था जब अमिताभ और शत्रुघ्न दोनों ही इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लिहाजा टकराव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसके बाद दोनों ने रास्ते का पत्थर और दोस्त जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दोनों की दोस्ती में खटास आने की शुरुआत हुई साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर के सेट पर। जब डायरेक्टर यश चोपड़ा ने अमिताभ और शत्रुघ्न को अपनी फिल्म काला पत्थर में साइन किया, तब अमिताभ जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों की बदौलत एंग्री यंग मैन बनकर सिल्वर स्क्रीन पर छा चुके थे। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कालीचरण, विश्वनाथ और जानी दुश्मन जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय कर अपना अलग मुकाम हासिल कर लिया था। कहते हैं कि तब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को एक दूसरे में अपना दोस्त कम और एक प्रतिद्वंदी ज्यादा नजर आने लगा था। ऐसा होना लाजमी भी था, एक के सामने कहीं दूसरे की चमक फीकी ना पड़ जाए, ऐसे ख्याल दोनों ही सुपरस्टार्स के दिल में जरूर आते होंगे। बस यही इनसिक्योरिटी इनकी दोस्ती की दुश्मन बन गई। फिल्म काला पत्थर के साइड पर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक या दो नहीं हैरान कर देने वाली कई घटनाएं हुई थी। एक फाइट सीन के दौरान तो अमिताभ और शत्रुघ्न एक दूसरे से भिड़ गए थे, लेकिन इसके बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया। आखिर क्यों, देखिए। फिल्म काला पत्थर के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पहली बार अमिताभ बच्चन की बेरुखी का रंग देखा। अमिताभ की इस बेरुखी का जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया है। अपने दिल की बात को जुबां पर लाने में कभी न हिचकिचाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक काला पत्थर के सेट पर कभी उन्हें अमिताभ बच्चन के बगल वाली कुर्सी बैठने के लिए नहीं दी जाती थी। यहाँ तक कि जब शूटिंग खत्म कर दोनों को लोकेशन सेट से एक ही होटल में जाना होता था, तब भी अमिताभ शत्रुघ्न को अपनी कार में बैठने के लिए नहीं कहते थे। काला पत्थर से जुड़ी शत्रुघ्न की एक कड़वी याद ये भी है कि फिल्म के एक एक्शन सीन के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनके साथ जमकर मारपीट की थी। एक्शन डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी अमिताभ उन्हें मारते रहे, और ये देख शशि कपूर को बीच बचाव करवाने के लिए आगे आना पड़ा था। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ उस दौर की राइवलरी को लेकर कई खुलासे किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन हैं जिन्होंने हर इल्जाम का जवाब हमेशा खामोश रहकर दिया। इतना ही नहीं, जब शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन को अपनी बायोग्राफी लॉन्च पर बुलाया था, तब भी अमिताभ खास मेहमान बनकर पहुंचे। काला पत्थर के सेट पर शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दुखाने वाले कई कड़वे अनुभव हुए। बावजूद इसके शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। दोस्ताना, नसीब और शान में अमिताभ और शत्रुघ्न साथ दिखे, जिसमें से दोस्ताना और नसीब में तो दोनों की जोड़ी ने इतिहास रचा। अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया है कि कैसे अमिताभ बच्चन उन्हें मिल रही शोहरत से जलने लगे थे। शत्रुघ्न ने लिखा, तब लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना में मैं उन पर भारी पड़ गया, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के हर इल्जाम का जवाब अमिताभ ने खामोश रहकर दिया। शायद इसलिए कहते हैं कि खामोशी में ज्यादा ताकत होती है।
वैसे भी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में शत्रुघ्न सिन्हा की छवि एक बड़बोले अभिनेता की रही है, शायद इसलिए कभी किसी ने इन इल्जामों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच मनमुटाव की गहरी खाई साल 2014 में भरी। दोनों एक टीवी शो यादों की बारात में खास मेहमान बनकर पहुंचे थे। अमिताभ संग अपनी राइवलरी पर एक बार शत्रुघ्न सिन्हा से जब सवाल किया गया तब उन्होंने जवाब दिया, जवानी थी, जोश था, कुछ ईगो इश्यूज थे। साल 2016 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी रिलीज की तो अमिताभ बच्चन खास मेहमान बनकर पहुंचे। उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर कहा कि हाँ, एक दौर में अमिताभ उनसे जलने लगे थे जिसे देख वो हैरान हो गए थे, लेकिन आज उनके दिल में अमिताभ बच्चन के प्रति कोई मलाल नहीं बल्कि बेहद सम्मान है। अब शत्रुघ्न अमिताभ को अपना लाइफ टाइम फ्रेंड बताते हैं।